नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है टोटल बेसिक ज्ञान। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको चार ऑर्डर के बारे में बताऊं। बेसिकली ये वीडियो दोस्तों मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है, जो भी स्टॉक्स मार्केट में बिगिनर्स है दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करें हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो और बेसिक ज्ञान से रिलेटेड वीडियोस, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो ऑर्डर होता है, जब भी आप शेयर मार्केट में आते हैं और आप स्टॉक्स खरीदते हैं, तो वहाँ आप जब स्टॉक्स खरीदने के लिए ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर बेसिकली चार तरीका का होता है। तो चार तरीका का ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? तो पहला ऑर्डर होता है वो होता है CNC, दूसरा जो ऑर्डर होता है दोस्तों वो होता है नॉर्मल, तीसरा जो ऑर्डर होता है वो होता है दोस्तों MIS, और चौथा ऑर्डर होता है कवर ऑर्डर। तो चलिए दोस्तों पहले हम CNC के बारे में बात करेंगे। CNC का मतलब होता है दोस्तों कैश एंड कैरी। तो कैश एंड कैरी ऑर्डर के तहत क्या होता है दोस्तों, वो हम लोग जानते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं जो आपको बहुत लंबे टर्म तक रखना है, यानी दोस्तों जो स्टॉक्स आपको हमेशा के लिए रखना है, आप चाहते हैं हम 5 साल 10 साल के लिए स्टॉक बाय करें, और जब हमको मन हो, जब भी हम स्टॉक्स बाय करें उस स्टॉक्स को जब हमारी मन हो तब हम बेचें, तो ऐसे में दोस्तों जो आपको स्टॉक्स बाय करने में जो ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है दोस्तों, तो आपको वहां पे जाके CNC यानी कैश एंड कैरी ऑर्डर टाइप को सिलेक्ट करना होता है। जब आप कैश एंड कैरी ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो उसके तहत आप जो भी चीज़ बाय करते हैं दोस्तों, तो वो स्टॉक्स आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहता है आपके डीमैट अकाउंट में, जब तक कि आप उसको ना बेचें। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको ये होगा कि जब भी आप अपना ऑर्डर कैश एंड कैरी के तहत देंगे, तो आपको जो है दोस्तों पूरा पैसा देना पड़ेगा। यानी जरा एग्जांपल के साथ समझिए, यदि आपके पास दोस्तों 20,000 रुपये है और आपको 20,000 का शेयर खरीदना है दोस्तों, तो आपको जो है जो ऑर्डर होगा वो कैश एंड कैरी के तहत होगा। यानी दोस्तों यदि 20,000 आपके पास है, आप जो शेयर खरीद रहे हैं दोस्तों, तो आपको पूरे 20,000 रुपये आप यदि दे रहे हैं, तो आपको 20,000 रुपये का ही शेयर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको मार्जिन होता है, वो आपको 100% मार्जिन देना पड़ता है अपने स्टॉक्स को खरीदने के लिए। तो चलिए दोस्तों ये तो था कैश एंड कैरी के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि NRML, जिसे कि हम लोग नॉर्मल ऑर्डर कहते हैं, वो क्या होता है दोस्तों। दोस्तों NRML की यदि बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो NRML होता है वो ऑर्डर होता है शॉर्ट टर्म के लिए। यानी दोस्तों कोई भी स्टॉक्स आपको 10 दिन 7 दिन के लिए यदि आपको बाय करना है दोस्तों, तो आप NRML के तहत बाय कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा पूछिए? CNC से भी दोस्तों आप 10 दिन के लिए बाय कर सकते हैं। CNC में क्या होता है दोस्तों, कैश एंड कैरी ऑर्डर जो होता है उसके लिए भी आप चाहे तो 10 दिन के लिए स्टॉक्स बाय करके सेल कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको 100% मार्जिन देना पड़ेगा। 100% मार्जिन मतलब वो ये है दोस्तों कि यदि आपके पास 20,000 रुपये है दोस्तों, तो आप 20,000 रुपये तक का ही शेयर खरीद पाइएगा, उससे ज़्यादा शेयर नहीं खरीद पाइएगा कैश एंड कैरी। यदि आप NRML यूज करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये है दोस्तों, तो आप 5 गुना ज़्यादा तक स्टॉक खरीद सकते हैं। यानी कि यदि 5,000 रुपये आपके पास है, तो आप 25,000 रुपये तक का स्टॉक खरीद सकते हैं। दोस्तों जब मैंने शेयर बाजार का बिगनिंग किया था, तो मेरा जो अकाउंट था वो था रिलायंस सिक्योरिटी। वहाँ यदि मेरे पास 5,000 रुपया हुआ करता दोस्तों मेरे डीमैट अकाउंट में दोस्तों, तो वहाँ से मैं 25,000 तक का शेयर खरीद सकता था, और उसको जो है लगभग 7 से 8 दिन तक अपने अकाउंट में रख करके, अपने डीमैट अकाउंट में रख करके फिर उसको बेचता था जब उसकी प्राइस बढ़ जाती थी। तो कभी कभी बढ़ जाती थी प्राइस तो फ़ायदा होता था, और मान लिया जाए यदि प्राइस घट जाए उस 7 से 8 दिनों के अंदर, तो आपको बेचना ही पड़ेगा उस स्टॉक्स को, तो वहाँ आपको घाटा देखने को मिलेगा। दोस्तों ये डिफरेंट ब्रोकर के पास वेरी करता है, सब ब्रोकर आप 5 गुना जो है लिवरेज नहीं देने वाले हैं NRML ऑर्डर के लिए। यानी दोस्तों यदि आप किसी भी स्टॉक्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं, किसी भी स्टॉक्स को लेकर यदि आप बुलिश हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि इसका प्राइस जो है 5 से 7 दिनों के बाद ऊपर भागने वाला है, तो आपके पास यदि दोस्तों 20,000 रुपये है, तो आप 1,00,000 तक के शेयर जो है खरीद करके अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं उस ऑर्डर के तहत दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं NRML। और दोस्तों वो ऑर्डर जब आप प्लेस करते हैं, तो उस ऑर्डर के तहत जो आपका स्टॉक्स का जो वैलिडिटी होता है दोस्तों, वो 8 से 10 दिन तक होता है। किसी किसी ब्रोकर में दोस्तों ये ज़्यादा भी हो सकता है, और किसी किसी ब्रोकर में आपको कम भी देखने को मिल सकता है। वो आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर जो है आपको कितने दिनों के लिए पैसे देता है। एक तरीका से देखा जाए दोस्तों, तो ये भी आपको जो है पैसा जो दे रहा है, ये भी आपको एक तरीका से लिवरेज है, जो कि आपके ब्रोकर आपको पहचा पैसा देता है। यानी यदि आपके पास 20,000 है, तो आपको 1,00,000 रुपये आपके ब्रोकर देता है स्टॉक्स को बाय करने के लिए। तो ये तो था दोस्तों NRML ऑर्डर। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक लिवरेज वाला वीडियो जो मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। वैसे उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लिवरेज नहीं लेना चाहिए यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ मेरा काम है सब चीज़ के बारे में जानकारी देना आपको, तो मैं इस चैनल पर आपको सब चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि आप लिवरेज लेकर काम नहीं करें, आप ज़्यादातर काम कैश एंड कैरी ऑर्डर के साथ ही करें। तो चलिए दोस्तों ये तो था NRML, जिसमें कि आप स्टॉक्स को खरीद करके
5 से 7 दिन 10 दिन तक रख सकते हैं और उसके बाद उस समय तक आपको बेचना पड़ेगा। हाँ, NRML ऑर्डर में ये होता है दोस्तों, आपको 2 दिन तक जो आप स्टॉक्स खरीदते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन 2 दिन के बाद दोस्तों इंटरेस्ट आपको लगना चालू हो जाता है। यानी कि दोस्तों आप 1 लाख रुपये का शेयर खरीदिएगा, यानी आज खरीदें तो आज आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना उस शेयर का, कल भी जो है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, परसों से आपका जो है इंटरेस्ट चालू हो जाएगा और अगले 7 दिन तक जो है इंटरेस्ट आपको पे करना होता है अपने ब्रोकर को। ब्रोकर तो आप, ब्रोकरेज तो आपको देना ही है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी देना है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको NRML ऑर्डर दिया जाता है ताकि वो आपसे ब्रोकरेज एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों कमा सके। तो चलिए दोस्तों, ये तो था NRML। अभी भी बात करते हैं दोस्तों, NRML का मतलब होता है नॉर्मल ऑर्डर। अभी भी बात करते हैं दोस्तों MIS। MIS का मतलब होता है दोस्तों मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। यानी दोस्तों MIS ऑर्डर के तहत दोस्तों आप 20 गुना ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में 1000 रुपये है तो आप 20000 तक के ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। यानी यदि आपके डीमैट अकाउंट में दोस्तों 2000 है तो आप 40000 तक के ट्रेड कर पाइएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों MIS में, कि आप जिस दिन यदि आप इस टाइप के ऑर्डर करते हैं, इसको बेसिकली इंट्राडे ऑर्डर कहा जाता है दोस्तों। इंट्राडे का मतलब मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि इंट्राडे में जब भी आप स्टॉक्स बाय करते हैं तो आपको उसी दिन स्टॉक्स को बेचना होता है। यदि आप स्टॉक्स नहीं बेचते हैं उस समय जो प्राइस रहेगा 3:30 बजे, उस समय तक आपका स्टॉक्स बिक जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो आपको जो ऑर्डर ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है वो होता है MIS मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इस बार दोस्तों आप 20 गुना ज़्यादा जो है स्टॉक्स खरीद सकते हैं। यदि आपके पास 1000 का स्टॉक्स 1000 रुपये है तो आप जो है 20000 तक का स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो था MIS। अब लास्ट ऑर्डर की बात की जाए दोस्तों, तो लास्ट ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको MIS ऑर्डर से भी ज़्यादा एडवांटेजेस मिलने वाला है लिवरेज के टर्म में। यहाँ पर आपको जो लिवरेज देखने को मिलता है कवर ऑर्डर में, वो MIS से भी ज़्यादा होता है। कभी कभी दोस्तों आपको जो MIS में लिवरेज मिलता है वो 30 गुना तक हो जाता है। यानी कि यदि आपके पास, वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, यानी आपके पास 1000 रुपये है तो आपके ब्रोकर आपको 30000 रुपये तक देते हैं ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों MIS और इंट्राडे में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही इंट्राडे बेस्ड है। और CNC और NRML जो मैंने आपको पहले बताया वो डिलीवरी बेस्ड है। यदि आप डिलीवरी में स्टॉक्स बाय करते हैं तो आप CNC ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या फिर NRML ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और यदि आप इंट्राडे में बाय करते हैं तो आप कवर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं यानी तो CNC ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कवर ऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, कि आपका जो प्राइस है, आपको जो स्टॉक्स बाय करना है वो आपको मार्केट प्राइस पे ही बाय करना होता है। मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स का प्राइस है 120 रुपये, तो आप जब उसको बाय करते हैं तो आपको 120 रुपये पे ही बाय करना होता है। और साथ में आपको एक स्टॉप लॉस आपको हैंड टू हैंड उसी समय लगाना पड़ता है। तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो जाता है दोस्तों कवर ऑर्डर में। और कवर ऑर्डर में आप जो भी चीज़ बाय करते हैं वो मार्केट ऑर्डर में ही बाय करना होता है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। लेकिन MIS में क्या है ना दोस्तों, कि मान लीजिए MIS में आप बाई करते हैं, वो भी इंट्राडे बेस्ड है, तो उसमें जब आप बाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है मार्केट प्राइस पे ही बाई करें। तो जैसे मान लिया जाए किसी भी शेयर का दाम है 120 रुपये अभी चल रहा है मार्केट प्राइस उसका अभी मौजूदा, तो आप यदि चाह रहे हैं कि नहीं इस शेयर को हम जब 117 रुपये हो जाए तो उस समय बाय करें, तो दोस्तों ये पॉसिबल है MIS में। MIS में दोस्तों आप जो है लिमिट सेट कर दीजिए, जब वो 120 रुपये से 118 रुपये चला जाएगा तो आपका ऑर्डर अपने आप बाय हो जाएगा MIS ऑर्डर के थ्रू। तो MIS ऑर्डर में ये एडवांटेजेज है। लेकिन कवर ऑर्डर में यदि एडवांटेजेज की बात की जाए दोस्तों, तो एडवांटेजेज वहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा लिवरेज मिल जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई एडवांटेजेज है नहीं, क्योंकि लिवरेज लेके आपको काम नहीं करना चाहिए यदि आप नए ट्रेडर हैं, यदि आप नए हैं शेयर मार्केट में। क्योंकि लिवरेज दोस्तों बहुत ही दिक्कत होता है, लिवरेज यदि आप लेते हैं तो कभी जब आपको घाटा लगता है तो काफ़ी ज़्यादा घाटा लगता है। यदि आप एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ लिवरेज लेके काम मत कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी लिवरेज के बारे में बताया है। तो ये तो था दोस्तों कवर ऑर्डर के बारे में जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप ये चारों ऑर्डर समझ गए होंगे, CNC किसे कहते हैं, कैश एंड कैरी, नॉर्मल ऑर्डर किसे कहते हैं और कवर ऑर्डर किसे कहते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इस चैनल पर हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।